नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण के जन्म की तिथि है ये जन्माष्टमी, और ऐसे में क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, भगवान कृष्ण का ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, ये जो महोत्सव है, इसको बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है देश भर में, और भारत में बहुत ही खास मान्यता है जन्माष्टमी के पर्व को सेलिब्रेट करने की। ऐसे में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो और ज्यादा खास हो जाता है उन व्यक्तियों के लिए, उस जोड़े के लिए जो अभी तक संतानहीन है, जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और इसी के साथ, क्योंकि राधा कृष्ण के जो प्रेम है उसको सबसे सर्वोच्च लेवल का जो प्रेम है उसमें कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनको शादी में जिन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिन व्यक्तियों को, उनके लिए भी जन्माष्टमी का ये जो पर्व होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस जो है वो कंसिडर किया जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर देने का आज की वीडियो से हम प्रयास करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व आपको कब सेलिब्रेट करना चाहिए, किस दिन आपको मनाना चाहिए, पूजा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम जो मुहूर्त है वो कौन सा रहने वाला है, इसी के साथ एक स्पेशल चीज़ की भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि है कि अगर आपने कभी भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा है तो व्रत रखने की मान्यता क्या है, और किस तरीके से ये जो व्रत है वो आपको करना चाहिए, और अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो उससे किन किन चीज़ों में, किन किन एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ में आपको लाभ मिलता है, वो सभी आज की वीडियो में हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। जन्माष्टमी की तिथि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, किस दिन तिथि ये जो है वो शुरू हो रही है, तो 26 अगस्त को जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी की जो तिथि है और साथ में रोहिणी नक्षत्र, ये दोनों की चीज़ें खास महत्व रखती हैं जन्माष्टमी के जो महोत्सव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर हम पंचांग अनुसार बात करते हैं, तो ऐसे में वैदिक पंचांग के अनुसार 26 अगस्त को जन्माष्टमी की ये जो तिथि है वो शुरू हो रही है, अष्टमी की ये जो तिथि है वो शुरू हो रही है, और सुबह 3:40 से ये जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और ये जो तिथि है वो समाप्त होगी 27 अगस्त को सुबह के ही 2:20 पे। और क्योंकि वैदिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, उदया तिथि का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो कंसिडर किया जाता है, इसी कारण से 26 अगस्त को ही आपको जन्माष्टमी का ये जो शुभ पर्व है वो मनाना है, वो सेलिब्रेट करना है। इसी के साथ शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वो जोड़ा जो अभी तक संतानहीन है, यानी कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आप कोई ऐसे कपल हैं जिनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में जन्माष्टमी का जो व्रत है वो आपको जरूर रखना चाहिए। जब भी कई ऐसे लोग होते हैं जो व्रत की जो मान्यता है उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप वीक में एक दिन भी फास्ट करते हैं तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। और वहीं वैदिक मान्यताओं की अगर हम बात करते हैं, तो व्रत रखने का जो एक तरीका होता है, व्रत रखने का जो एक रीज़न होता है, वो आपकी ज़िंदगी में शुभता को लाता है, आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि और संपत्ति को लाता है। जन्माष्टमी के व्रत को बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, और इसे एक कठिन व्रत भी कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले वो लोग जो पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसा जोड़ा है जो अभी तक संतानहीन है, तो आपको जन्माष्टमी का ये जो व्रत है वो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी यानी कि श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके घर में बहुत ही जल्दी बच्चे का जो सुख है, संतान का जो सुख है, उसका आगमन हो सकता है। तो ऐसे में आपको ज़रूर ये जो जन्माष्टमी का पावन उत्सव है उस पर आपको कृष्ण जी के नाम से ये जो फास्ट है, जन्माष्टमी का ये जो व्रत है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो है वो साबित होगा। व्रत में कुछ कुछ नियम होते हैं जिनका खास करके ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फास्ट है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत गहरी मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से कुछ नियम होते हैं जिनका आपको खास ख्याल रखकर ही कभी भी कोई व्रत जो है वो रखना चाहिए। कोई भी आपकी जो खास मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप कोई फास्ट रख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक संकल्पित रूप से, एक संकल्प लेकर इस व्रत को रखें कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं,
हम आपके लिए ये व्रत जो है, ये जो अनुष्ठान है ये कर रहे हैं, तो आप अपनी कृपा जो है वो हम पर बनाए रखिएगा और इसी के साथ जो हमारी खास मनोकामना है उसकी भी पूर्ति कीजिएगा। तो ऐसे में इस संकल्प के साथ सबसे पहले आपको कोई भी व्रत जो है वो रखना चाहिए। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो जितनी मान्यता व्रत में संकल्प लेके व्रत को करने की है, उतनी ही मान्यता उस संकल्प को पूरा करने के बाद इस व्रत को पारण करने की भी है। यानी कि जो शुभ मुहूर्त होता है उसी के अनुसार ध्यान रखते हुए आपको ये जो फास्ट होता है, ये जो व्रत होता है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। तीसरी चीज जिसका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को अक्सर समझ नहीं आता है कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, तो जन्माष्टमी का जो व्रत है उसको कठिन इसीलिए भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें आप अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी कि चावल, आटा, गेहूं, इस तरीके की जो चीजें हैं, अन्न की जो चीजें हैं, वो आप इस समय बिल्कुल भी इस व्रत के दौरान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मॉडर्न टर्म्स में बोले तो आप इसको एक तरीके से अपना डिटॉक्स का जो दिन है वो कंसिडर कर लीजिए, लेकिन एक शुभ मन के साथ, मन में एक अच्छी आशा की किरण लेकर अगर आप कोई भी फास्ट रखते हैं और भक्तिमय मन से अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं, तो उसका जो फायदा होता है, उसका जो लाभ होता है, वो दुगना आपको मिलता है। श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही मासूम है, लड्डू गोपाल के फॉर्म में उनको पूजते हैं लोग, और क्योंकि लड्डू गोपाल का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो इतना अलौकिक है, अक्सर आप देखेंगे कि घर में जो महिलाएं होती हैं वो कृष्ण जी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं और बच्चों को मनाना बहुत ही आसान होता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में भावना शुद्ध होगी, आपके मन में भावना सच्ची होगी, तो कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना नहीं है जिसको भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जिसका आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पारण का समय बताया, जब भी आप व्रत रखते हैं तो पारण की खास मनोकामना, खास महत्व जो है वो होता है। जन्माष्टमी की जो तिथि है उसका खास महत्व होता है अष्टमी की तिथि और इसी के साथ रोहिणी नक्षत्र, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं तो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कारण से जब तक अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र रहता है तब तक आप ये जो व्रत है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती हैं, यानी कि अष्टमी तिथि समाप्त होती है और रोहिणी नक्षत्र चेंज होकर अगला नक्षत्र शुरू होता है, तभी इस व्रत का जो पारण है वो माना गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नक्षत्र का स्पैन होता है वो लंबा होता है, जिसकी वजह से दो दिन तक भी अष्टमी की ये जो तिथि है और साथ में नक्षत्र जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से दो पूरे दिन तक भी लोगों को कई बार फास्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर अष्टमी तिथि पहले समाप्त हो जाती है तो भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर रोहिणी नक्षत्र अगर पहले समाप्त हो जाता है और तिथि कंटिन्यू होती रहती है तो भी आप व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। अगले दिन सुबह के समय में अगर तिथि जो है वो खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि हो रही है, तो ऐसे में आप नेक्स्ट डे जो है वो आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह यानी कि 27 की जो सुबह है उस दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके आपका ये जो फास्ट है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी मनोकामना जो है उसकी पूर्ति की जल्दी से आशा कर सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से पूजा करके, विधि विधान से पूजा करके आप ये जो व्रत है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस विधि के अनुसार ये जो व्रत है आप रख सकते हैं। अब भोग आपको श्री कृष्ण जी को क्या लगाना चाहिए और इसी के साथ स्पेसिफिक मुहूर्त कौन सा है जन्माष्टमी में जिसपे आपको भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की जो पूजा अर्चना है वो करनी चाहिए। 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का ये जो पर्व है वो मनाया जाएगा। मिडनाइट की 12 बजे की जन्म की जो ये तिथि होती है उसकी खास मान्यता होती है। ऐसे में जो शुभ मुहूर्त है भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का वो 26 अगस्त की मिडनाइट रात को है, 12:01 से लेके 12:45 तक। तो यानी कि 45 मिनट का ये जो शुभ मुहूर्त है इस दौरान आप भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा अर्चना है वो विधि विधान से कर सकते हैं। ये बेहद शुभ मुहूर्त जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान को प्रिय हैं जिसका भोग आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन?
लड्डू गोपाल उनका नाम है, इसीलिए लड्डुओं का भोग तो आपको उनको जरूर लगाना ही चाहिए। इसी के साथ पांच मौसमी फल जो होते हैं वो भी आपको जरूर अर्पित करने चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। इसी के साथ आपको पंचामृत जो है वो जरूर देना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, और उसके साथ में पंजीरी जो होती है यानी कि आटे से बनी हुई पंजीरी, इसका भी भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग आप लगा सकते हैं, ये भी उन्हें काफी ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका भोग आप श्री कृष्ण को लगा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ एक तुलसी दल यानी कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो इन सभी सामग्री में, वो इन सभी जो आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं भोग, इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी शुभता और शुद्धता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इनफैक्ट आप खुद भी स्वयं जो भोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी अगर आप तुलसी दल डाल देते हैं तो उस खाने की जो उस भोग की जो शुभता और शुद्धता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी का ये जो पर्व है आपको 26 अगस्त को मनाना है। इस तरीके से इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको अच्छे से ये जो विधि विधान से ये जो पर्व है वो सेलिब्रेट करना है। और आखिरी हम बात कर रहे हैं कि पूजा की विधि क्या होने वाली है, ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किन चीज़ों का खास ख्याल आपको रख लेना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि उनका जन्मोत्सव है तो हम जब अपने घर में बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो हम कितनी ज़्यादा डेकोरेशंस करते हैं, हम बलून्स लगाते हैं, हम फ्लावर्स लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की डेकोरेशंस जो है हम वो करते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का आगमन आपके घर में हो रहा है तो आपको भी अपने घर के मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे में सजाना चाहिए, ये आपके घर में शुभता को लाता है। इसी के साथ इस दिन रात को आपको श्री कृष्ण जी को पंचामृत और थोड़े से गंगा जल से उनका जो स्नान है वो जरूर कराना चाहिए। उसके बाद आप उन पे पुष्प, मौली, माला, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आप उन पे अर्पित कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभता लाता है आपके घर में। इसी के साथ मिठाई, क्योंकि लड्डुओं का भोग उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसके साथ अगर आप आटे की पंजीरी का भी भोग उन्हें अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है। हर चीज़ में तुलसी दल डालना आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि वो हर भोग की जो शुभता और शुद्धता होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। और अपने पूरे मन से और अपने पूरे इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए आपको आपकी जो भी खास मनोकामना है वो ज़रूर इस दिन श्री कृष्ण जी के समक्ष आपको रखनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि अपनी सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। तो आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि जन्माष्टमी का ये जो शुभ पर्व है वो आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा शुभता जो है वो लेकर आए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।